जय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र उपाध्याय, मैथ्स टीचर। मैं पिछले 5 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। हिंदी में बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है क्रमचय एवं संचय, इसलिए हमें सबसे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब जान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं भी जानते तो जानिएगा बेटा कि क्रमचय का मतलब होता है व्यवस्था या अरेंजमेंट। क्रमचय को इंग्लिश में बोलते हैं परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और संचय का मतलब होता है चयन अर्थात सेलेक्शन। वैसे हमारा आज का टॉपिक क्रमचय है, इसलिए पूरा फोकस हम क्रमचय का ये करते हैं। पूरा फोकस हमारा आज होगा क्रमचय पर, परम्यूटेशन पर। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों परम्यूटेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर परम्यूटेशन का मतलब अभी आपने बताया हमसे व्यवस्था होता है, व्यवस्था अर्थात अरेंजमेंट, व्यवस्था अर्थात क्या बोल देंगे हम लोग अरेंजमेंट। ओके, व्यवस्था का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट मतलब क्या बताना चाह रहा है, तो बेटा अरेंजमेंट का मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी सी, मान लेता हूँ मैं 3 लोग कौन कौन है ए बी सी, और 3 ABC में से आपको 2 लोगों का व्यवस्था करना, 2 लोगों को व्यवस्थित करना एक पंक्ति में। मान लीजिए लोग पंक्ति में बैठे हैं और इसी पंक्ति में इनको व्यवस्थित करना, तो इन दोनों लोगों को, इन 3 लोगों को 2-2 लोगों करके कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। मेरा सवाल समझ रहे हैं, मैं ही कह रहा हूं बेटा कि मान लीजिए 3 लोग ABC है और इन 3 लोगों में से 2 लोगों को व्यवस्थित करना है, और ध्यान रखिए लोग एक रो में बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं, ऐसा सवाल कह रहा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर ABC 3 लोग हैं और इनमें से 2 लोगों को बैठाना होगा, तो हम कह सकते हैं एक बार ए को बी के साथ बैठा दीजिए, एक बार ए को सी के साथ बैठा दीजिए। एक व्यवस्था एक ए हो गई, दूसरी व्यवस्था एक बार बी को ए के साथ बैठा दीजिए, एक बार बी को सी के साथ बैठा दीजिए, ये व्यवस्था हो जाएगी। एक बार सी को ए के साथ बैठा दीजिए और एक बार सी को बी के साथ बैठा दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर आप देखिए टोटल व्यवस्था तो कितनी दिख रही है, 6। यहाँ ध्यान रखिएगा ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, जैसे यहाँ पे ए बी अलग है और बी ए अलग है तो दोनों एक ही, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे पहले ए आया है और बाद में बी आया है, जबकि यहाँ पे पहले बी आया है बाद में आया है। क्रमचय में ऑर्डर बदलने से बात बदल जाती है, जबकि यही बात जब मैं आपको संचय में सिखाऊंगा तो ऑर्डर बदलने से बात नहीं बदलती है। ए बी का वही मतलब होता है जो बी ए का मतलब होता है संचय, लेकिन क्रमचय में अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप बोलेंगे सर दोनों एक ही मतलब रखते हैं, एक मतलब नहीं रखते हैं क्रमचय में, ए बी है अलग बात है और बी ए अलग बात है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 3 लोगों में से अगर मुझे 2 लोगों को व्यवस्थित करना है तो हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 6 तरीके से। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था आपको समझ आ रहा होगा, लोगों को अरेंज करना, किसी भी चीज को अरेंज करने को हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट का मतलब आज के बाद मैथमेटिकल टर्म में आप क्या जानेंगे, क्रमचय। क्लियर है? अब क्रमचय मान लीजिए बड़े प्रश्नों में अप्लाई हो जाता, 3 की जगह 20 हो जाते, 100 हो जाते, 150 हो जाते, तब क्या होता, तब आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। इसलिए हम लोग इन व्यवस्थाओं को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म में मैं एक जनरल फॉर्म आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास एन वस्तुएं हैं, उनमें से एन वस्तुओं लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को अगर हमको व्यवस्थित करना है तो उसके तरीके मैथमेटिकली हम दिखाते हैं NPR। कैसे दिखाते हैं, NPR n मतलब जो टोटल है और R मतलब जो उसमें से लिया गया है, n का मतलब टोटल और R मतलब जो उसमें से लिया गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ 14 लोगों में से
तीन लोगों को व्यवस्थित कीजिए, 14 लोग हैं और उनमें से तीन लोगों को आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। 14 लोग मतलब मान लीजिए ए से लेकर एन तक है, और ए से लेकर एन तक में आपको तीन तीन लोगों को व्यवस्थित करना है। अगर आप इस तरीके से अरेंज करते जाओगे बेटा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस बात को हम लोग कह देंगे अगर 14 लोगों में से तीन लोगों को व्यवस्थित करना है तो 14 की 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 14 की 3। अब याद रखिए NPR का जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मैंने कहा कि n वस्तुओं में से अगर आपको r वस्तुओं को व्यवस्थित करना है तो n वस्तुओं से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप सब लोगों को फैक्टोरियल तो आता ही होगा, जिन्हें नहीं आता एक बार देख लें फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था। जैसे फैक्टोरियल 5 मान लीजिए आपके सामने, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब है कि फैक्टोरियल में जो वैल्यू दिखे उसका घटते हुए क्रम में आप गुणा करते हुए 1 तक चले जाइए। फैक्टोरियल 6 दिख रहा है तो कुछ नहीं, 6 फिर घटिए 5 फिर उससे घटेंगे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से। यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए 120 हो जाता है, यहाँ पे गुणा कर लीजिए 720 हो जाता है, इस तरीके से। मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू दिख रही है तो फैक्टोरियल 1 से नीचे जाते ही नहीं है। मान लीजिए फैक्टोरियल 0 पता करना है तो ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है वो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट वहाँ नहीं करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, हम आपको इम्पोर्टेंट जो बातें उसे सिखाएंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, अगर आपसे कोई पूछता है तो ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। क्रम गुणित, हिंदी में फैक्टोरियल को हम लोग क्रम गुणित बोलते हैं। तो अगर आपको फैक्टोरियल पूछा जाए क्या होता है तो उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे कि जो दिख रहा है वहां से लेकर 1 तक हमको जाना, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी बातों को लेकर, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करते रहिएगा। अब देखिएगा आगे की बात हम करते हैं। क्रमचय में हमने कहा कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अगर हमें व्यवस्थित करना है तो n वस्तुओं से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके होते हैं NPR। तो NPR इक्वल्स टू हमने लिखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे मान लीजिए 14 में वस्तुएं हैं और उनमें से हमें तीन वस्तुओं को सेलेक्ट करना है, व्यवस्थित करना, सॉरी सेलेक्ट करना नहीं व्यवस्थित करना। तो 14 में से 3 को व्यवस्थित करने के तरीके हो जाएंगे 14 / 14 - 3। तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 14 का मतलब हो जाएगा 14 × 13 × 12 × फैक्टोरियल 11, और आप कहेंगे 14 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 11, 11 से 11 कट जाएगा तो 14 × 13 × 12 हो जाएगा। 14P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 13 × 12। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम फार्मूला ना भी लगा तो भी हम एक बार देख लेते कि हाँ नीचे क्या है, नीचे 3 है इसलिए 14 से 3 तक आप आगे बढ़ते जाइए। उल्टा कहने का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए 15P2 किसी ने पूछा आपसे इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप कुछ ना करिए 15 और एक और नीचे उतर जाइए 14, तो 15P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 14। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको मैं कह दूं 20P4 की वैल्यू क्या होगी तो सीधे बोल दीजिएगा सर 20, फिर उतरेंगे 19, फिर उतरेंगे 18 और फिर उतरेंगे 17। तो 20P4 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 19 × 18 × 17, क्लियर है? तो आपको यहाँ देखना है कि सुफिक्स में जो है वहां तक हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते जाना है, 20 से नीचे हम लोग जाएंगे 19, 18 और 17, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसी की बात कर लेते हैं हम लोग दो चीजों की, फंडामेंटल जो कैलकुलेशन है जो आना चाहिए आपको, और उम्मीद करता हूं आ जाएगा अभी समझ में जब मैं आपको बता दूंगा। दो सिचुएशन होते हैं यहाँ पे क्रमचय में, दो सिचुएशन होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इनडिपेंडेंट। डिपेंडेंट सिचुएशन और दूसरा होता है इनडिपेंडेंट सिचुएशन। डिपेंडेंट सिचुएशन मतलब आश्रित, आश्रित सिचुएशन और अनाश्रित सिचुएशन दो कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर हमारे पास डिपेंडेंट सिचुएशन है तो याद रखिए वहां पे सेंटेंस में और कहीं ना कहीं लिखा होगा, एंड लिखा होगा। एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? और। कहीं पर अगर डिपेंडेंट सिचुएशन है तो वहां पे एंड लिखा होगा, और एंड का मतलब क्या होता है? और होगा, क्लियर? जैसे मान लीजिए कि ए से बी तक जाने के कई रास्ते,
इतने सारे रास्ते, इतने सारे मतलब ये रास्ते हैं। और फिर बी से सी तक जाने के, बी से सी तक जाने के मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वाले अंतर। ए से बी तक गए हम एम रास्तों से और बी से सी तक गए हम एन रास्तों से। अगर आपसे कोई पूछे ए से सी तक कितने रास्तों से, जैसे ए से बी तक तथा बी से सी तक कितने तरीकों से जाया जा सकता है, ए से बी तक तथा बी से सी तक, देखिए मैंने तथा का यूज किया ना और का, और आप याद रखे जहां भी तथा का यूज होगा वहां पे चीजें होती हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। भाई ए से पहले बी जाएंगे इस रास्ते से जाएंगे, फिर बी से सी जाने के लिए ई वाला ई वाला ई वाला कोई भी रास्ता ले सकते हैं, फिर इस रास्ते से भी इन रास्तों में से कोई भी। तो इस तरीके से अगर आपके पास सिचुएशन डिपेंडेंट है तो आप वहां पे करिएगा मल्टीप्लीकेशन, दैट इज गुणा, गुणा कर लीजिएगा, गुणा हो जाएगा। तो कुल तरीकों की संख्या ए से बी तथा बी से सी तक जाने के कितने रास्ते होंगे, आप बोलेंगे एम गुणे एन। मतलब अगर दो सिचुएशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, गुणा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को पांच वावेल्स से, इंग्लिश अल्फाबेट के पांच वावेल्स से एक वावेल से एक वावेल चयन करना है, एक वावेल का चयन करना व्यवस्था करना है, एक वावेल चुनाव करना है तथा कंसोनेंट से, आप जानते हैं कंसोनेंट से किस होते हैं, कंसोनेंट से एक कंसोनेंट का, एक कंसोनेंट का चुनाव करना, तो वह ऐसा कितने तरीकों से करेगा, आप याद रखिए क्लू जो मैंने बताया, जब भी सिचुएशंस डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं बेटा, तो वहां पे तथा आता है, चाहे वो परमिटेशन का सवाल आएगा या कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा, कहीं भी अगर, कहीं भी अगर आप तथा देखिएगा तो वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल में। तो अगर दोनों सिचुएशन देखिए, एक लेना हमको पांच वावेल्स में से एक वावेल और 21 कंसोनेंट्स में से एक कंसोनेंट का चुनाव करना, तो कितने तरीके से कर सकते हैं भाई, पांच में से आपको एक का चुनाव करना, आपके पास पांच कंसोनेंट्स हैं और पांच कंसोनेंट्स में से एक कंसोनेंट को हम चुन सकते हैं पांच तरीकों से, चाहे ए को ले, चाहे ई को ले, चाहे आई को ले, चाहे ओ को ले, चाहे यू को ले, ये ना होगा बेटा। तो पांच में से किसी एक को हम पांच तरीके से चुन सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कंसोनेंट होते हैं 21 और 21 में से किसी एक को हम 21 तरीके से चुन सकते हैं, चाहे बी ले, सी ले, डी ले, समझ रहे हैं। तो आप बोलेंगे इसको पांच तरीके से, इसको 21 तरीके से, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, इसलिए वावेल से और कंसोनेंट से, एक वावेल से तथा एक कंसोनेंट से अगर आपको चुनाव करना तो आप कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं, 105 तरीकों से। कितने तरीकों से, 105 तरीकों से। क्लियर है? तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको डिपेंडेंट सिचुएशन समझ में आया होगा। अगला जो सिचुएशन है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिपेंडेंट सिचुएशन। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं इनडिपेंडेंट सिचुएशन क्या होता है। नाम से पता चला इंडिपेंडेंस, जो एक दूसरे पर आश्रित ना हो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिचुएशन। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सिचुएशन क्या होगा। इंडिपेंडेंट सिचुएशन का क्लू आपको हमेशा आर के फॉर्म में दिखेगा या के फॉर्म में दिखेगा। कहीं पर अगर सिचुएशन इंडिपेंडेंट हो जाता है तो आप याद रखिएगा वहां पर जो क्लू दिखेगा हमें वह किस फॉर्म में दिखेगा, या के फॉर्म में। क्लियर है? मान लीजिए ए से बी तक जाना है, या ए से बी तक जाना बेटा, आपको ए से बी तक जाना है, या आपको ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है। मान लीजिए ए से बी तक जाने के एम रास्ते और ए से सी तक जाने के एन रास्ते, आप बताइए क्या दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, बोलेंगे नहीं डिपेंडेंट है। तो अगर मैं पूछूं कुल तरीके कितने होंगे तो बोलेंगे सर अगर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो वहां पे याद रखिएगा एडिशन होगा चीजों का, एम प्लस एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग होगा। जब भी चीजें इंडिपेंडेंट होंगी, सिचुएशन इंडिपेंडेंट होगा, तो वहां पे एम प्लस एन होगा। उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में मैं अगर आपसे कहूं कि अपने पास, उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास पांच वावेल में से एक वावेल, पांच वावेल में से एक वावेल
या 21 कंसोनेंट से, कंसोनेंट से एक कंसोनेंट, एक कंसोनेंट कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं। तो बोलेंगे कि सर क्लू हमको मिल गया है या, जहां भी या होगा बेटा वहां पे एडिशन होगा। तो बोलेंगे पांच वावेल से एक वावेल को पांच तरीके से, 21 वावेल से 21 कंसोनेंट से एक कंसोनेंट को 21 तरीके से, तो 21 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 26। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात मेरा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ तरीके, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होंगे। अब आप एक क्वेश्चन लिखे, आसान सा क्वेश्चन, शब्द क्वेश्चन नंबर वन है, शब्द ब्लोटिंग, बी एल ओ ए टी आई एन जी, ब्लोटिंग के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, याद रखिए सिर्फ अर्थपूर्ण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तो रीजनिंग के सवाल है। अभी हम लोग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और परमिटेशन में मेनली आपसे ये नहीं कहेगा कि अर्थपूर्ण बताइए या अर्थहीन बताइए, वो दोनों बोलेगा इसके अक्षरों का अगर हम लोग अदला बदली करें तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप देख लीजिए अक्षर कितने हैं, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबकी अदला बदली करनी मतलब 8 में से 8ों की अदला बदली करनी है। याद रखिए जब सब में से सबकी अदला बदली करते हैं बेटा तो उसको फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, फैक्टोरियल से। 8 में से अगर 8 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये कह सकता हूँ 8 में से 8 को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे 8 में से 8 को 8 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 8p8 हो जाएगा। 8p8 मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि अगर यहाँ पे जितना है उसको उतना बार आप मल्टीप्लाई करिए, 8 फिर 1 पीछे जाइए 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो जैसे ही आपने इतना किया तुरंत आपको समझ आएगा सर ये तो फैक्टोरियल है। तो मैं कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल 8 तरीकों से मैं ब्लोटिंग के अक्षरों को अदल बदल के लिख सकता हूँ। आप 8p8 लिखे और कोई आदमी है जो कह रहा सर सीधे मैं इसमें काउंटिंग कर लूंगा कि कितने वर्ड्स हैं, किसी ने काउंटिंग किया कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो उसे दिखा कि इसमें जो अल्फाबेट्स हैं वर्ड्स में अल्फाबेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो वह कह देगा सर मैं इसे फैक्टोरियल 8 तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे फैक्टोरियल 8 तरीके से लिखता हूँ तो मैं कहूँगा 8, मैंने आपको बताया फैक्टोरियल से उतरना पड़ता है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यही होगा। तो आप बोलेंगे इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ तक हो जाता 720 का, 7 में गुणा कर लीजिए तो 720 का, जब आप 7 में गुणा करेंगे तो जाएगा 50-40, और 50-40 का आप 8 में गुणा कर लीजिए 50-40 का, जब आप 8 में गुणा करेंगे देख लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन 0 8 4 32 8 0 0 3 और 8 5 40। तो आप बोलेंगे 40,320 अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और वर्ड मैं यहीं पर लिख देता हूँ जल्दी से, आप लोग उसे बना के दिखाइए। अलाहाबाद, आप वीडियो पॉज करिएगा और ALLAHABAD के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं आपको बताना। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ बेटा। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं अलाहाबाद की बात करूँ तो अलाहाबाद में पहले अल्फाबेट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप बोलोगे टोटल अल्फाबेट 9 है तो तुरंत मैं कह दूंगा फैक्टोरियल 9 तरीके से मैं लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ए को देखिए ना, ए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ए चार बार आ गया है, और जब आप इसको अदले बदलेंगे तो भाई ए तो ए ही रहेगा, चाहे दूसरे पर रहे चाहे तीसरे पर। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब लेटर्स का रिपीटेशन होगा तो जिस चीज का जितनी बार रिपीटेशन हुआ उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, ए चार बार रिपीट हुआ इलाहाबाद में इसलिए फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दीजिए इनटू
एल भी रिपीट हुआ, देखिए ना एक बार दो बार, एल भी रिपीट हुआ दो बार, इसलिए गुणे फैक्टोरियल दो। तो इलाहाबाद के अक्षरों को आप कहेंगे कि टोटल नौ अक्षर थे इसलिए फैक्टोरियल नौ, मगर ये चार बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल चार से भाग दे दिया, एल दो बार रिपीट हुआ तो दो बार, और कोई चीज तो रिपीट हुई नहीं है। आप देखिएगा एच भी रिपीट नहीं हुआ, बी भी, डी भी। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा, नौ गुड़े आठ गुड़े सात गुड़े छह गुड़े पांच गुड़े फैक्टोरियल चार ही रहने दीजिए, बटे फैक्टोरियल चार गुड़े फैक्टोरियल दो का मतलब आप जानते हैं दो गुड़े कि देखिए इसको इसलिए नहीं कट बदला ताकि कट जाए, अब दो से काट दीजिए, दो से दो तीन क्लियर है, तो आठ पचे चालीस थे एक सौ बीस, आठ सौ चालीस और आठ सौ चालीस को नौ में गुणा कर लीजिए जीरो, नौ चौक छत्तीस और नौ अटे बहत्तर तीन, बहत्तर तीन पचहत्तर, सात हजार पाँच सौ सात। समझ पाए मैं ये कह रहा था, यहाँ पे मैंने गुणा कर लिया पहले पाँच काट में, पाँच अटे चालीस हो गया, फिर इसका तीन में चालीस, पाँच अटे चालीस किया एक सौ बीस, फिर एक सौ बीस का सात में गुणा कर लिया तो बारह सत्तर चौरासी आठ सौ चालीस हो गया, फिर इस आठ सौ चालीस में नौ का गुणा कर लिया तो जीरो, नौ चौक छत्तीस और फिर नौ अठे बहत्तर तीन पचहत्तर, तो पचहत्तर सौ साठ तरीके से बनाया जा सकता है। एक और सवाल है हमारा, इस सवाल को बनाइए डायरेक्टर, क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा, डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाया जा सकता है, बताएं डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाया जा सकता है। आप बोलेंगे कि सर अगर हमें डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाना है तो मैं पहले देखता हूँ कितने अल्फाबेट हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बोलेंगे आठ अल्फाबेट तो फैक्टोरियल आठ बटे। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप देखिए किसी का रिपीटेशन हुआ है तो बोलेंगे सर डी का तो नहीं, आई का तो नहीं, बार आर का रिपीटेशन हमको दिख रहा, आर का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है दो बार, तो बोलेंगे केवल आर ही रिपीट हुआ इसलिए फैक्टोरियल दो से डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या रह जाएगा हमारे पास, आठ गुड़े सात गुड़े छः गुड़े पाँच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े, फैक्टोरियल दो ही रहने दीजिए क्योंकि नीचे दो से दो कट जाएगा, तो आठ पचे चालीस ऐसे कर लीजिए, तीन चौक बारह पचे साठ, तीन सौ साठ, और तीन सौ साठ का आप पहले गुणा कर लीजिए सात में, तो सात छक बयालीस और सात त्रिक इक्कीस और चार पच्चीस, पच्चीस सौ बीस हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर आठ गुड़े पच्चीस सौ बीस, और जब आप गुणा करेंगे तो जीरो, आठ दुना सोलह, आठ पचे चालीस एक इकतालीस, और फिर आठ दुना सोलह और चार बीस, तो बीस हजार एक सौ साठ तरीकों से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कभी कभी कंडीशन दे देता है तो कंडीशनल क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, जैसे कह रहा है लिखिएगा यहां पे शब्द दिया है डाइजेस्ट, शब्द दिया बेटा डाइजेस्ट, और बोल रहा है डाइजेस्ट के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि आगे कंडीशन दिया है यदि सभी वॉवेल एक साथ में, सभी वॉवेल एक साथ, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर हम इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है आज के क्लास में, हम लोग फाइव क्वेश्चन ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और लेवल के वीडियो डालेंगे, ये समझ लीजिए थ्योरी पोर्शन था। तो आप बोलेंगे कि सर अगर डाइजेस्ट के अक्षरों को अदल बदल कर अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाना है लेकिन सभी वॉवेल को एक साथ रखना है, पॉज करके आप लोग सॉल्व करिएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे सर डाइजेस्ट है ना, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डाइजेस्ट में कितने वॉवेल हैं, तो बोलेंगे एक वॉवेल है आई और एक वॉवेल है ई, आई और ई वॉवेल है इनको एक साथ कर दीजिए, कह रहे एक साथ होने चाहिए। अब क्या बचेगा आपके पास, बोलेंगे डी जी एस टी, क्या बचेगा डी जी एस टी। अब अगर मैं पूछूं इसमें कितने अल्फाबेट है तो बोलेंगे आई और ई को अगर एक साथ रखना तो ये तो एक ही तरीके से लिखे जाएंगे, फिर बोलेंगे दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा। अब डाइजेस्ट में हमारे पास कितने लेटर हैं, देखने को तो छह हैं लेकिन अगर आप आई और ई को एक साथ रखेंगे तो केवल पांच अक्षर रह जाएंगे, बोलेंगे फैक्टोरियल पांच तरीके से। मगर आई और ई को भी तो उलट सकते हैं बेटा, ई के जगह पर आई, आई के जगह पर ई, तो सारे सिचुएशन में अगर बदलेंगे तो फैक्टोरियल दो तरीके से यह भी बदल जाएगा, तो बोलेंगे फैक्टोरियल फाइव इंटू फैक्टोरियल टू, तो फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन,
और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, तो 5 और 20 दिया 60, तो 120 दुना कितना हो जाएगा 240। उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो, आप नोट कर लीजिए इस बात को। अरे क्वेश्चन आ गए, रेक्टिट्यूड, यहीं पे डाइजेस्ट के जगह पर मैं लिख रहा हूँ रेक्टिट्यूड, क्वेश्चन नंबर 5 है रेक्टिट्यूड, आर ई सी टी आई टी यू डी ई, बताइए कितने तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और पॉज करके आप देखिए कितने तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बोलेंगे सर रेक्टिट्यूड में पहले हमें वॉवेल्स को एक साथ रख लेना है, तो वॉवेल क्या क्या आएगा आप बोलेंगे सर रेक्टिट्यूड में, अगर आप वॉवेल देखना चाहेंगे तो एक वॉवेल तो आ जाएगा हमारा ई, दूसरा वॉवेल भी हमारा क्या है ई है, उसके बाद फिर क्या है आई है, उसके बाद फिर क्या है यू है, देखिए ई आई यू ई यही बन रहा हमारे पास, तो ये सब एक साथ आएंगे, एक साथ कर लीजिए। अब बचेगा क्या, तो बोलेंगे आर सी टी, देखिए आर सी टी फिर टी टी लिख लीजिए।